तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है, या किसी प्रकार की भी समस्या असिस्टेंट और गाइडेंस या वन टू वन इंटरेक्शन के लिए, आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर विथ योर नेम एंड योर ईयर, आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज, मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागॉजी ऑफ होम साइंस। तो अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं जहां आपको पेडागॉजी पढ़ने का मतलब आपके पास में ऑप्शन है, तो पेडागॉजी के सब्जेक्ट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो पेडागॉजी ऑफ एग्रीकल्चर हो, पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स हो, होम साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, फिजिकल साइंस हो, सोशल साइंस हो, या लैंग्वेज हो। कोई भी पेडागॉजी के अगर आपके पास में सब्जेक्ट्स हैं और आपको लगता है कि आपको थोड़ी सी मेरे हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारा जो चैनल है डेडिकेटली बीएड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारा कंटेंट लेकर आता रहता है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। चलिए फटाफट से आज के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है, बिल्कुल पहला टॉपिक, जो कि आपके 8 नंबर के प्रश्न में या फिर आपके 2 नंबर के प्रश्न में भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो आपके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का जो पेडागॉजी में होम साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो आइए इस सब्जेक्ट को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एमएसडीयू के लिए तो थोड़ा नया है, बट और सारी यूनिवर्सिटीज में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये प्रश्न आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फटाफट से देखेंगे पेडागॉजी ऑफ होम साइंस में कि आखिर पेडागॉजी जो सब्जेक्ट है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेडागॉजी में आप विषय को नहीं पढ़ते हैं, विषय कैसे पढ़ाना है ये सीखते हैं। तो ये टीचर्स के लिए सब्जेक्ट है कि आप विषय को कैसे पढ़ाओगे। तो आइए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर होम साइंस है क्या, यानी कि गृह विज्ञान जो विषय है वो है क्या। आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही कंटेंट साथ में रख दिया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो मैं इसीलिए थोड़ा रुकता हुआ आपके साथ में आगे बढ़ रहा हूँ। तो गृह विज्ञान की सबसे पहले अर्थ को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि वर्ड है यहाँ पर गृह विज्ञान, तो आपको मैं यहाँ पर समझाऊँ, गृह विज्ञान का मतलब ही आप यहाँ पर समझ सकते हो कि होम यानी कि गृह और साइंस यानी कि होम साइंस। इसीलिए कहा जाता है कि गृह विज्ञान के अंतर्गत जो हमारे जीवन से जुड़े हुए, जो हमारे घरों से जुड़े हुए, जो हमारे होम से जुड़े हुए विषय होते हैं, उनका गहन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। अर्थात कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जो कि हम मतलब बिना किसी सोच के, बिना किसी लॉजिक के करते रहते हैं अपने जीवन में, और बहुत अच्छे से भी करते हैं, कई बार उसमें छोटी मोटी गलतियां भी करते हैं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करती हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर होम साइंस में पढ़ने वाले हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये है कि आखिर ये होम साइंस विषय का अर्थ क्या है। तो गृह विज्ञान क्या है, शिक्षा जो है, गृह विज्ञान शिक्षा समाज में रहने और दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार करने के लिए जो आवश्यक तकनीक है, जो आवश्यक क्षमता है, वो हमें प्रदान करती है। तो गृह विज्ञान विषय जब आप पढ़ते हो, तो अर्थात आप इस विषय के अंतर्गत उन सारे आप समझिएगा कि विषयों की चर्चा करते हो, उन सारे गुणों की, उन सारे कौशलों की बात करते हो जो कि आपको समाज का एक अच्छा नागरिक बनने में, समाज का एक अच्छा अंग बनने में मदद करता है। आप समझ पाओगे कि एक समाज में रहते हुए आपकी क्या जिम्मेदारी है, एक परिवार के सदस्य के रूप में आपकी क्या जिम्मेदारी है, और फिर आप उन जिम्मेदारियों का, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का किस प्रकार से निर्वाह करते हो। यह उच्च स्तर की स्वतंत्र और पहल विकसित करने में आपको सक्षम विकसित करते, मतलब आप जब गृह विज्ञान विषय पढ़ोगे तो ये आपको तकनीकी सोच से भी युक्त करेगा। अर्थात आपको टेक्निकल बातें भी समझाता चलेगा कि अगर जीवन में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमारे आसपास के पर्यावरण में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको समझते हुए आपको ये विषय आगे तैयार करता है। तो इस विषय को पढ़ने से आप क्या करते हैं, अब आप बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको पहले थी उसे व्यवस्थित तरीके से ग्रहण करते हैं, जिससे कि आप किसी भी विषय के ऊपर अपनी खुद की सोच रख सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस सोच से आप
अपने आप को भी प्रभावित कर सकते हैं और अपने परिवार को, अपने परिवार के सदस्य को और पूरे समाज को भी सकारात्मक रूप से योगदान दे सकते हो, उनको लाभ पहुंचा सकते हो। तो किसी समस्या के बारे में सोचने के लिए उसके लिए उचित जानकारी कैसे प्राप्त करना है, और अगर किसी समस्या में फंस गए हैं, हमारे सामने कोई समस्या है, कोई अड़चन आ रही है, तो उसका हम किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के अध्ययन में, इन सारी चीज़ों के समाधान के लिए जो है गृह साइंस हमें तैयार करता है, यानी गृह विज्ञान हमें तैयार करता है। अच्छा दोस्तों, हमारा चैनल जो है, जो बीएड एग्जाम बाय अजीत सिंह है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पैडागोजी के तो आपको नोट्स मिलेंगे, इसके अलावा आप जिस भी सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वहाँ के आपको नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ में अच्छे और डिटेल लेक्चर्स यहाँ पर हैं, तो आप प्लीज़ उनको देखिए। अगर आपको अच्छे लगते हो तो एक बार को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिले। अब देखते हैं गृह विज्ञान का अर्थ। देखिए, गृह विज्ञान का अर्थ क्या है कि गृह विज्ञान घर के प्रबंधन का विज्ञान है, हमारे परिवार के प्रबंधन का विज्ञान। इसमें वो सभी चीज़ें शामिल हैं गृह विज्ञान के अंतर्गत, जो हमारे घर के परिवार के सदस्यों और हमारे आसपास रहने वाले जो भी लोग हैं, जो संसाधन हैं, उनसे जुड़ी हुई बातों, उनसे जुड़े हुए मुद्दों और उनसे जुड़े हुए विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो गृह विज्ञान क्या है? घर का विज्ञान है, गृह का विज्ञान है, और वो विज्ञान जो कि हमें अपने पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर अच्छा बनने में, सक्षम बनने में मदद करता है। इस विषय का उद्देश्य है कि हम अपने आसपास के उपलब्ध संसाधनों का एक कुशल और वैज्ञानिक उपयोग कर पाएँ। कुशल और वैज्ञानिक उपयोग शब्द को समझिएगा कि जो रिसोर्सेस अवेलेबल है, कई बार हम लोग उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करते या पूरी क्षमता से इस्तेमाल नहीं करते, तो उस चीज़ को हम पूरी क्षमता के साथ 100% इस्तेमाल करें और साथ ही साथ वैज्ञानिक उपयोग करें। वैज्ञानिक उपयोग का मतलब कि उस चीज़ को आप इस तरह से इस्तेमाल करो कि उसका भरपूर लाभ ले सको, उसको आप बिल्कुल भी व्यर्थ ना करो। चाहे अगर आपके पास में पेट्रोल डीजल है, आपके आसपास में कोई ईंधन है, आपके आसपास में पैसा है, यानी आपके पास पैसा है, या आपके पास में कोई भी एक साधन उपलब्ध है, तो आप उसका किस तरह से संपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हो, भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो, इन सारे विषयों के ऊपर चर्चा जो है हम लोग गृह विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो इससे हम क्या कर पाते हैं, हम पूरे अपने परिवार के सदस्यों की अधिकतम सुविधा के लिए काम कर पाते हैं, उनको पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए हमारे पास में अब कई उपाय होते हैं। तो गृह विज्ञान इसीलिए कहा जाता है कि घर को भी किस तरह से बेहतर चलाया जा सकता है, इसका विज्ञान है। तो अपने परिवार को किस तरह से हम बेहतर सुविधाएँ दे सकते हैं, इस विषय को अगर हम पढ़ते हैं तो उस सारी पक्ष में हम अपने आप को सक्षम बनाने में योग्य हो पाते हैं। तो गृह विज्ञान कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने में, और अगर आप और आपका परिवार कुशल है, तो कहीं ना कहीं आप एक सभ्य समाज की ओर अपना योगदान कर पाओगे, आपका योगदान भी सकारात्मक रूप से समाज की ओर हो, और जब समाज विकसित होगा तो राष्ट्र विकसित होगा, और राष्ट्र विकसित होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं आपके प्रयासों का प्रभाव जाएगा। ये आंशिक रूप से होता है, आपको पता भी नहीं चले, लेकिन आप योगदान कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो होम साइंस क्या है? गृह विज्ञान का अर्थ है अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की कला। यानी कि आपके पास जो भी है, अगर मान लीजिए आपके पास में, मैं पैसे की बात करता हूँ, आपके पास में एक सीमित आय है, लेकिन अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता, यानी कि अपने पैसे का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता, पैसे का प्रबंधन करना नहीं आता, तो शायद आप अपनी सभी आवश्यकताओं को ठीक से पूरा नहीं कर सकते। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत आपको वित्तीय प्रबंधन, आपको फाइनेंस को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से आपको खर्च करना, वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो गृह विज्ञान का अर्थ है कि आपको अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की कला, और एक स्वस्थ और खुशहाल घर के साथ साथ एक सफल कैरियर, यानी कि जीवन में भी आप आगे बढ़ें, जीवन में भी आप बेहतर कर पाएँ, इसके लिए आपको जो एक जानकारी चाहिए, जो साउंड नॉलेज चाहिए, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए, वो गृह विज्ञान आपको देता है। तो गृह विज्ञान के डेफिनेशन में आप ये लिख सकते हो, बच्चों और बुजुर्गों सहित परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की जो क्षमता विकसित करना, एक महत्वपूर्ण कौशल होती है, कौशल भी है और कला भी है। देखिए, हर व्यक्ति जो है संवाद कौशल में इतना अच्छा नहीं होता, संवाद कौशल का मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स में इतना अच्छा नहीं होता, तो ये एक ऐसी कला है जिसे सीखा जाना चाहिए। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत इस पक्ष के ऊपर भी विशेष जोर दिया जाता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम सभी को सौहार्दपूर्ण और पारस्परिक संबंध और सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए तैयार कर सकते हैं, उनका विकास कर सकते हैं,
और यह आवश्यक कौशल भी गृह विज्ञान की शाखा में गृह विज्ञान के विषय में आपको पढ़ने को मिलता है। क्या आप अपने परिवार के साथ में किस तरह से एक सौहार्दपूर्ण विषय मतलब सौहार्दपूर्ण संबंध रख सकते हैं, उनको किस तरह से खुश रख सकते हैं या आपका क्या योगदान होता है, इस तरह के विषयों के ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि गृह विज्ञान जो है, यहाँ पर होम साइंस, गृह विज्ञान भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, शारीरिक विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड जो शब्द हैं, और स्वच्छता और पर्यावरण विज्ञान, इस तरह के बहुत सारे विज्ञानों का समावेश है। इसमें बहुत सारे विषयों का प्रभाव देखने को आपको मिलता है। गृह विज्ञान बहुत कुछ अर्थशास्त्र से लेता है, समाजशास्त्र से लेता है, मानव विकास से संबंधित, मानव मनोविज्ञान से रिलेटेड, सामुदायिक विकास की बात करते हैं हम, इसके अंतर्गत हम कम्युनिकेशन यानी कि संचार कौशल के ऊपर बात करते हैं, मीडिया, जर्नलिज्म, पॉलिटिक्स, हर एक विषय के बारे में जो है हम गृह विज्ञान के अंतर्गत डिस्कस करते हैं, उनके प्रभाव का हमारे जीवन के ऊपर हम जो है असर देखते हैं। और इस प्रकार यह एक अंतः विषयी क्षेत्र है जो विज्ञान और कला के पाठ्यक्रमों को अपने आप में शामिल करता है। इन सभी विषयों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा कम लेकिन सबसे जुड़ा हुआ है, सबसे प्रभावित है। तो ये अंतः विषयी और काफ़ी व्यापक विषय है, ये आप समझ गए होंगे। इस गृह विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ घर की बातें नहीं करते हम, पर्यावरण की बातें भी करते हैं, हम आर्थिक बातें भी करते हैं, हम देश के विकास की बातें भी करते हैं, हम पर्यावरण से जुड़े और गहम मुद्दे की बात करते हैं, हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम मनोविज्ञान की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स इसमें हम कवर करते हैं, वो सारे विषय हम पढ़ते हैं। तो आप अभी आप समझ पा रहे होंगे कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये गृह का विज्ञान है, यानी घरों से संबंधित हमारे व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ी जो हमारी जीवन शैली है उसको समझने का विज्ञान है। सो विज्ञान और कला का यह संयोजन गृह विज्ञान के सभी क्षेत्रों में लागू होता है और इनमें से कुछ इस प्रकार है। जैसे गृह विज्ञान अब आपको अगर समझना है, आपसे पूछ ले कि एग्जाम में कि गृह विज्ञान किस प्रकार से अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, आइए विस्तारपूर्वक उसको समझाइए, तो आप समझा सकते हैं कि परिवार के सदस्यों के बीच पारस्परिक संवाद किस तरह से करना है, इस कौशल को भी विकसित करने में मदद करता है। इसके बाद देखें यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बताता चल रहा हूँ, एक मिनट। वह परिवार जिसकी आप देखभाल करते हैं, अब ये आपको उस परिवार के बारे में सीखने और समझने में, उसके बारे में सोचने के नए दृष्टिकोण के बारे में भी आपको तैयार करता है। आप गृह विज्ञान के अंतर्गत चर्चा करते हैं कि जो आप भोजन कर रहे हैं वो क्या है, कैसा है, पौष्टिक है कि नहीं है, पौष्टिक है तो और कैसे पौष्टिक हो सकता है, कोई बीमारी है तो क्यों हो रही है, भोजन में क्या बदलाव किया जाए। तो गृह विज्ञान के बीच आप परिवार के सदस्यों के साथ इस तरह से पारस्परिक संबंध बना सकते हैं, रख सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आप अपने परिवार जिसकी देखभाल कर रहे हैं उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से कैसे और सामूहिक रूप से कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। आप जो भोजन कर रहे होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, आप जिस घर में रहे होते हैं उसके बारे में भी आप जो है इसमें चर्चा कर रहे होते हैं, इसमें आप वो चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हो। तो ये विषय जो है आपके पूरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ गृह विज्ञान में आप जो परिधान धारण करते हो, जो कपड़े आप पहन रहे होते हो, आप उसकी भी चर्चा करते हो। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर एक प्रकार के संसाधन, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे वो आपके मानसिक संसाधन हो, ह्यूमन रिसोर्स संसाधन हो, हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। हम गृह विज्ञान के अंतर्गत अपने आसपास के वातावरण, हमारे समाज में हो रही घटनाओं के बारे में जागरूक होते हैं, पर्यावरण के प्रति सचेत होते हैं, पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति अपने आप को जागरूक करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। तो गृह विज्ञान हमें संपूर्ण जानकारी देने का काम करता है। गृह विज्ञान हमें वो कौशल और वातावरण देता है जो कि हमें एक सफल कैरियर बनाने में मदद करे, यानी कि हमें उन सभी गुणों और कौशल, चाहे वो आपके संज्ञानात्मक ज्ञान की बात हो, बौद्धिक ज्ञान की बात हो, व्यक्तित्व विकास की बात हो, या फिर आर्थिक और सामाजिक समझ की बात हो, हर एक तरह के आपके जीवन के पक्ष के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं और फिर आप उनको बेहतर करते चले जाते हैं जिससे कि आपका जीवन बेहतर हो। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। अगर ये परिभाषा आपके एग्जाम में आए तो आप इस तरह से मतलब कॉन्सेप्ट आए तो आप लिख सकते हो परिभाषा क्या होगी गृह विज्ञान की, अगर ये आपको देखना है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।